ओह, सो आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया। पर क्या आप जानते हैं कि आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक की है? शायद इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसीलिए शायद आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। बट ये इंटरेस्टिंग लगना कहाँ से आया? मे बी आपके ब्रेन ने एक इंटरेस्टिंग लगने का थॉट किया होगा। बट ये थॉट कहाँ से आया? मे बी ब्रेन में से। बट ये ब्रेन कहाँ से आया? ओके, किसी और क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट लाइक थोड़ी देर पहले शायद आपने पानी पिया होगा, तो वो पानी कहाँ से आया? मे बी नलके में से या फिर आपके आरओ में से। बट वहाँ पे पानी कहाँ से आया होगा? शायद आपके नियरेस्ट रिवर डैम या किसी लेक में से। बट वहाँ पे पानी कहाँ से आया? शायद रेन वाटर वहाँ पे आया होगा। बट रेन का पानी वहाँ पे कैसे आया? आई थिंक ओशन में से। बट ओशन का पानी आया कहाँ से? इन सारी चीज़ों की शुरुआत यूनिवर्स से ही हुई है। बट यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग, या फिर वो चीज़ खाली एक इमेजिनेशन है या कोई सब्सटेंस या कोई चीज़ है। बट वो हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में से ही आई है। बट ये यूनिवर्स की शुरुआत कब से हुई है? ये सबसे कमाल का क्वेश्चन है कि बिग बैंग जिसने इस यूनिवर्स की शुरुआत की, तब से लेके आज तक क्या क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसकी हमें कुछ खास नॉलेज नहीं है। एंड इसीलिए बी रेडी फॉर अ टूर ऑफ बिग बैंग प्रेजेंटेड बाय फैक्टो साइंस। चलिए आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, इस समय कुछ भी नहीं था, ना ही कोई स्पेस, ना ही कोई टाइम, ना ही कोई मैटर एंड ना ही कोई एनर्जी। बट न जाने कहाँ से एक छोटी सी एनर्जी निकली। उस एनर्जी की साइज़ उस समय एक एटम से भी छोटी थी, बट एक बहुत ही खतरनाक डिस्प्लेसमेंट के कारण वो छोटी सी एनर्जी ने इतना बड़ा धमाका किया कि आज भी वो फैल रहा है। एंड यस, इसी धमाके को कहा जाता है द बिग बैंग। अब इस धमाके के कारण बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी, और ये एनर्जी आज भी स्प्रेड हो रही है, वो भी एक लाइट ईयर की स्पीड से भी ज्यादा तेज। और अब इसी तरह ये सारी एनर्जी मैटर्स और एंटी मैटर में फॉर्म हो गई। और अब मैटर और एंटी मैटर जो एक दूसरे के अपोजिट है, और उसी के कारण जैसे ही वो आपस में कोलाइड होते हैं या कांटेक्ट में आते हैं, उसी समय वो एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। बट थैंकफुली मैटर का अमाउंट एंटी मैटर से ज़्यादा होने के कारण अंत में मैटर के कई सारे पार्टिकल्स बच गए, और आज यही सारे पार्टिकल्स आपस में मिलके तारे और ग्रह बना रहे हैं। बट उस समय कुछ भी नहीं था, सिर्फ एनर्जी, मैटर, एंटी मैटर और टाइम और स्पेस के अलावा। बट इसी तरीके से कई सालों के बाद सबसे पहला तारा फॉर्म हुआ कुछ मैटर के आपस में कनेक्ट होने के कारण। और फिर क्या, ये रुका नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में तारे बनने लगे। और इसी तरीके से ये सारे तारे जब एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, तब उन्हें गैलेक्सीज कहा जाता है। और ऐसे ही एक छोटी सी गैलेक्सी जहाँ पे 10,000 करोड़ तारे हैं, हाँ, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें एक ऐसा तारा फॉर्म हुआ जिसे आज हम सन के नाम से जानते हैं। जैसे ही सन फॉर्म हुआ, उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव छोड़ी, जिसके कारण उसके आसपास जितने भी रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो सब उससे दूर चले गए, और इसी के कारण सन को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स मिली। पर कहानी यहाँ अभी रुकी नहीं है,
क्योंकि इसी ग्रेविटेशनल के कारण कई सारे जाइगेंटिक रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स सन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और उनमें से एक था हमारा अर्थ। और फिर कई सालों के बाद अर्थ से थोड़ा छोटा बट बहुत ही बड़ा रॉक लाइक स्ट्रक्चर अर्थ से टकराया और इसी टकराने के कारण हमें हमारा मून मिला, जो आज अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे साथ ही हमेशा के लिए रह गया है। तो ये कहानी तो थी बिग बैंग से लेके अर्थ और मून के फॉर्मेशन होने तक, बट आगे अभी कहानी बाकी है और इसको हम कवर करेंगे पार्ट टू में, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि अर्थ पे किस तरीके से एटमॉस्फेयर और बायोलॉजिकल लाइफ आई। एंड सो प्लीज़ बी वेटेड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।